वापस आ गया क्या? अरे नहीं, लॉकडाउन नहीं लगा है, पापा का बर्थडे है। अरे बुद्धू, पापा का बर्थडे कल है, आज 9th है, सोने दे। अरे जो सो गया वो खो गया, हम पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करने का मौका नहीं खोएंगे। हम पापा का बर्थडे एकदम धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे और हम उनको रिटर्न गिफ्ट के नाम पे लूट लेंगे। यस, मजा आ जाएगा। अरे सुबह सुबह किसको लूटने की बात हो रही है? अरे मम्मी देखो इसको, जैसे पापा को लूटने की बात कर रही है, ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्म में फीमेल गब्बर थी। मम्मा ऐसा कुछ नहीं, उसकी मत सुनो। मैं पिछले जन्म में कोई भी फीमेल गब्बर नहीं थी, मैं पिछले जन्म में अच्छी सी इंसान थी, उसका मत सुना करो मम्मा। वो मजाक कर रही थी। वो सब छोड़ो मम्मी, चलो पापा के लिए सरप्राइज पार्टी करते हैं। हाँ लेकिन पापा तो बाहर गए हुए हैं बेटा, पापा तो है ही नहीं। अरे मम्मा लगता है भूल गए, पापा जाते समय बोले थे कि वो 10 तारीख को वापस आ जाएंगे और उनको खुद ही नहीं पता 10 तारीख को तो उनका बर्थडे है और हम उनको उसी दिन सरप्राइज करेंगे, है ना यो? हाँ ऐसा है क्या? बट पापा ने तो मुझे कुछ बोला नहीं। कोई नहीं, चलो हम लोग बर्थडे की सरप्राइज पार्टी प्लान करते हैं, धूमधाम से तैयारी करते। चल यस, आए लग गई। गाइस, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि इस वीडियो में हम अनाउंस करवाए हमारे गिव अवे विनर्स। तो गाइस अभी आपने हमारे डेकोरेशन को देख ही लिया होगा कि हमारा बर्थडे था और वो भी बीत गया है, बट उसके 2 दिन बाद ही रहता है पापा का बर्थडे, तो बर्थडे का मूड तो तभी भी लाइक बना हुआ रहता है। तो ये वीडियो पापा के बर्थडे से रिलेटेड है, तो उस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, क्योंकि तो हम एंड में अनाउंस करने वाले हैं हमारे गिव अवे विनर्स। तो आपको वीडियो एंड तक देखना होगा, और कैसे गिव अवे विनर्स को अपना मिलने वाला है अपना गिव अवे, तो वो आपको एंड में पता चलेगा। तब तक आप हमारा वीडियो एंजॉय करो। अनु आयु कहाँ हो, आ जाओ चाय पीते हैं। अरे तुम लोग पहले से ही यहाँ हो, चाय पी लो। हाँ अच्छा उसे याद आया, आयु तू रोटी पिज्जा बना रही है, मैं बनाऊंगी मेरा आइकॉनिक सैलेड। अरे सैलेड से याद है, याद जब तूने पहली बार पापा के लिए सैलेड बनाया था? वो तो सैलेड कम ज्यादा नमक वाला सैलेड था, इतना नमक था फिर भी पापा ने खाया था। वही तो, किसी ने नहीं खाया लेकिन पापा ने तो ऐसा खाया और इतनी तारीफ की, इनको गिफ्ट भी दे दिया। वो तो ठीक है, याद है आयु ने पहले रोटी बनाई थी, वो भी एकदम जली हुई, जो घर में किसी ने नहीं छुआ ना ही खाया, बस पापा अकेले थे जिनको खा भी लिया और इसकी इतनी तारीफ भी की, पता नहीं क्या अच्छा लग गया था उसमें। अरे जली रोटी भी टेस्टी होती है। हाँ पापा ने चॉकलेट भी दिया इसको गिफ्ट में। हाँ उनने मेरा फेवरेट चॉकलेट दिया था। हाँ एकदम सही बोला तूने आयु, इस बार ना बनेगी जली रोटी, ना बनेगा सैलेड कम ज्यादा नमक वाला सैलेड, बनेगा तो बस यम्मी सा रोटी पिज्जा जो पापा का फेवरेट है। और हाँ तेरी डांस कोरियोग्राफी का क्या, अभी तक हुआ नहीं, जल्दी करना कोरियोग्राफी अपना। हाँ वो तो कर रही हूँ, और वो वीडियो का क्या हुआ? हाँ वो कर लूंगी। मम्मा टोस्ट तो ये लो, चाय तो ठंडी हो जा रही, पहले चाय खत्म कर लो। और आयु तू ये पूरे घर में स्टिकी नोट्स क्यों चिपका रही है? अरे ये सब याद रखने के लिए। मतलब अब देखो ये स्टिकी नोट सब याद रखने में काम आते हैं, अब अगर मैं वॉशरूम जाऊंगी तो फिर मैं वो स्टिकी नोट चिपका दूंगी कि बाल धोना है और डांस कोरियोग्राफी करना है। अरे बाल धोना तो ठीक है बेटा, बट डांस कौन करता है बाथरूम में? अरे जब मैं जाऊंगी तो फिर मैं गाना सुनूंगी, जब मैं गाना सुनूंगी तो मैं नाचूंगी, अब नाचते नाचते डांस की कोरियोग्राफी का आइडिया भी तो मिल जाएगा, इसे कहते हैं टैलेंट। अरे तुम ये नोटबुक लेके क्यों घूम रही हो? अरे मैं ये नोटबुक नहीं, फ्लो ऑफ इवेंट है मेरा। अब पापा का एक तो अच्छा सरप्राइज डिजाइन करे, किसी को तो मैनेज करना पड़ेगा ना पार्टी, जिससे पार्टी एकदम फ्लो में जाए। तो इसमें मैंने लिखा है कि हम लोग को क्या क्या करना चाहिए जिससे एकदम अच्छे से पार्टी जाए एकदम फ्लो में। तो देखो पहले आयु को कोरियोग्राफी जो आज दोपहर तक चाय पीने के पहले कर लेना चाहिए था वो नहीं किया, तो तू जा वापस बाल धो अपने। अरे करूंगी ना, पहले चाय तो पीने दे आराम से, आज भी बाल धोने जाना होगा। अरे बाबा तुम लोग लड़ क्यों रही हो? मैं सोच रही हूँ हम लोग पापा को ना गिफ्ट में एक अच्छा सा टी शर्ट दे देंगे, टी शर्ट नहीं शर्ट है, टी शर्ट बेटर, उसमें पापा यंग लगते हैं। अरे पापा शर्ट पहन लो, पापा जैसे लगेंगे। हाँ लेकिन यंग दिखना ज्यादा जरूरी है। अरे बाबा तुम लोग क्यों लड़ रही हो? मैं तो कहती हूँ
कि पापा के लिए सबसे अच्छा इंडियन कुर्ता ही ले लो। अपना इंडियन स्टाइल सबसे बढ़िया है। पॉइंट तो सही है। आप पापा के साथ 25 साल से भी ज्यादा रह चुके हो तो आपको तो पता ही होगा। हाँ वो एकदम सलमान खान से दिखेंगे। नहीं शाहरुख खान। नहीं मैं तो बोलती हूँ सलमान खान के जैसे दिखेंगे पापा। शाहरुख खान मम्मी। तो चलो फिर मैं लिस्ट बनाती हूँ पापा का गिफ्ट। अरे चाय तो पी लो तुम लोग, चाय बिल्कुल ठंडी हो गई। हेलो और सुनाओ क्या चल रहा है वहाँ पे, सब ठीक है ना? हाय आशा, हम तो ठीक हैं, तुम और बच्चे कैसे हैं? अरे यहाँ भी सब ठीक है, क्या बताऊँ, आपका बर्थडे है आज और बच्चों को सिर्फ बर्थडे के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा है। दोनों इतना तैयारियाँ कर रही हैं सुबह से ना, अनु तो डांस कर रही है तैयार, और आयु है वो आपकी फेवरेट पर्दे चेंज कर रही है, फ्लावर लगा रही है, केक की तैयारी कर रही है, कोई आपकी फेवरेट गिफ्ट पूछो ही मत, इतना ज़्यादा खुश हैं वो लोग। क्या बात है। तो कब निकल रहे हो आप, कितना बजे? मुश्किल है थोड़ा सा। अब क्या हो गया? क्या बताऊँ आशा, फ्लाइट ही कैंसिल हो गई, और फ्लाइट कैंसिल हो गई और यहाँ से बाय रोड भी इतना दूर है कि चाहूँ तो भी नहीं आ सकता आशा। क्या आप नहीं आ रहे हो? आप ऐसा नहीं कर सकते यार, आपको आना ही होगा। हमें भी तुम सब की बहुत ज्यादा याद आ रही और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कैसे टाइम पे हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। अरे बच्चे इतना खुश है, मैं उनको कैसे समझाऊंगी? आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए, इस टाइम पे आपको जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप हो, आपको तो सिर्फ काम काम काम, फैमिली तो दिखती नहीं है। क्या करें आशा, काम जरूरी था इसलिए आया ना, बट कोई बात नहीं आशा, आप बच्चों को संभाल सकती हैं, प्लीज प्लीज उन्हें समझा दो, हम बहुत ज्यादा मिस करें तुम सब लोग। मैं कैसे उनको किस मुंह से कहूं कि नहीं आ रहे हो, इतना ज्यादा खुश है वो लोग, अभी तो उनका दिल टूट जाएगा, मैं कैसे समझाऊं? तुम संभाल सकती हो आशा, प्लीज संभाल लो, चलो मिलते हैं, ओके बाय। अब क्या करूं, बच्चों को कैसे समझाऊं, बच्चे बेचारे का तो मन ही टूट जाएगा, लास्ट टाइम अभी आ ही नहीं रहे। अब 4 दिन के लिए क्या जाते हो, ऐसा लगता है कि 4 साल बीत गए, हम सबको आपकी कितनी याद आती है, बट अभी ये बम फोड़ दिए कि नहीं आ रहा हूँ, अब क्या करूँ मैं, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। हेलो यार, हमने सब इतना प्लान किया था, खाना से लेके डांस वीडियो सब कुछ हमने प्लान किया था, सब गुड़ गोबर हो गया। मैंने यहाँ तक कितना अच्छा प्लान शीट भी बनाया था, पिछले साल कितना मज़ा आया था बर्थडे में। काश पापा होते यहाँ। हाँ मतलब नो चॉकलेट्स, नो केक्स, नो रिटर्न गिफ्ट्स। ऑन द ब्राइट साइड, उनको तेरी जली हुई रोटी नहीं खानी पड़ेगी और गिफ्ट का भी पैसा बच जाएगा। और वो तुझे लूटने से भी बच गए। चल सो जा। हम पापा का बर्थडे एकदम धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। और हाँ तेरी डांस कोरियोग्राफी का क्या, अभी तक हुआ नहीं, जल्दी करना कोरियोग्राफी अपना। हाँ वो तो कर रही हूँ। और वो वीडियो का क्या हुआ? पापा जाते समय बोले थे कि वो 10 तारीख को वापस आ जाएंगे और हम उनको उसी दिन सरप्राइज करेंगे, है ना आयु? बाय। चाहूँ तो भी नहीं आ सकता ऐसा। क्या आप नहीं आ रहे हो? आयु जल्दी, मुझे बहुत भयानक सपना आया। क्या सपना आया? आयु मुझे ये सपना आया कि पापा की पार्टी कैंसिल हो गई है क्योंकि पापा ही नहीं आए। बुद्धू ये सपना नहीं सच्चाई था।
कल मम्मी को पापा से बात करते सुन लिया था कि पापा नहीं आ रहा है। चलो उठ जा। तू ये पूरे घर में स्टिकी नोट्स क्यों चिपका रही है? अरे ये सब याद रखने के लिए। अरे ये क्यों तुम लोग फाड़ के फेंक रही हो? अरे बेटा ये स्टिकी नोट्स फाड़ के क्यों फेंक रही हो तुम? और अनु ये तुम्हारे प्लान का क्या हुआ, क्यों फाड़ के फेंक रही हो? अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे तुम लोग को कुछ बताना है। हमें पता है पापा नहीं आ रहे। आयु ऐसा किसने कहा पापा नहीं आ रहे हैं? मामा आप हमें उल्लू मत बनाओ, हमने सुन लिया था आपको फोन में बात करते हुए। बेटा पापा का फोन आया था, पापा आ रहे हैं। क्या क्या सच्ची? हाँ पापा आ रहे हैं। ये पापा आ रहे हैं और हम बर्थडे मनाएंगे और हम पापा को लूटेंगे। ये 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 अरे भाई लूटेंगे नहीं, हम पापा का बर्थडे मनाएंगे। हाँ है क्यों हुआ? और आयु तुम्हारे डांस का क्या हुआ? बाकी है अभी करती हूँ। और अनु तुम्हारे वीडियो का क्या हुआ? हाँ मुझे तो वो भी बनाना है। चलो तैयारी करने। यस हो गया हमारा डेकोरेशन। ते पता है मम्मा कहती हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पापा छोटे बच्चे बन जाते हैं। और हम बड़े बच्चों को हमारे पापा को एकदम प्यार से प्यार करना चाहिए जैसे पापा हमें बचपन में करते थे, है ना? चलो अपना हाई फाई करते हैं। 1 2 3 एंड धुक्का। यस अब तो पापा कैद के इंतजार है। हाँ हो गया तुम लोग का डेकोरेशन? हाँ मम्मी ये देखो पूरा डेकोरेशन हो गया। अरे वाह कितना सुंदर सजाया, पापा तो देखते ही खुश हो जाएंगे, है ना? हाँ चलो ठीक है मैं केक लेके आती हूँ। अब तो बस पापा के आने का इंतजार है। अरे लगता है पापा आ गए, मैं चेक करती हूँ। और मैं 3 2 1 बोलूँगी तो डांस करना चालू करना। 3 2 1 रुक रुक रुक, पापा नहीं थे, वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड थे। बोल रहे थे कि कल सुबह पानी लेट आएगा तो पानी भर के रखना। अरे पापा कब आएंगे? निराश मत हो तू, पापा आते ही होंगे। ठीक है लगते पापा आ गए, लेकिन सर मैं दरवाजा खोलूंगी, तू 3 2 1 और गाना गा। चल चल ठीक है मैं 3 2 1 बोलूंगी। हाँ ओके 3 2 रुक 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 रुक, पापा नहीं थे, पड़ोसन थी। हाँ? बोल रही थी कि वो सुबह नहीं आएंगी घर पे, तो उनके लिए भी घर पे पानी भर देना। पापा कब आएंगे? लगता है पापा आएंगे नहीं, लगता है मम्मा मजाक कर रही थी। ये लो आ गया केक। वाओ केक तो आ गया, लेकिन पापा कब आएंगे? हाँ पापा आ गए हैं। कहाँ? फोन पे। फोन पे? हाँ बेटा जमाना बदल गया है, आजकल लोग इंटरनेट से शादी कर ले रहे हैं, तो क्या हम पापा का बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट कर सकते? अरे हाँ तभी तो सोचो मम्मा ने फोन इधर क्यों रखे, मुझे कुछ वीडियो के लिए रखा होगा। अच्छा ठीक है फोन बज रहा है, जब तक मैं फोन उठाती हूँ ना तुम अपना डांस तैयार रखना और तुम अपना गाना, ठीक है? ऑलराइट बेटा थैंक्स, बहुत अच्छा लग रहा है, वाह क्या बात है। तो देखा आपने आपकी बेटियों ने कितना सुंदर घर सजाया है। वाह बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी राय तो हमारी बिटिया ही ना। अब पापा आप ना आ पाए तो हम आपके पास आ गए ना इंटरनेट से। हाँ पापा वी लव यू। सॉरी बेटा मैं आ नहीं पाया, इसका मुझे बहुत दुख है, बट आपको देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया सजाया आपने घर। चलता है पापा, अभी हम लोगों को इसी बहाने कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला ना नया। हाँ पापा और मम्मी ने भी हमारी बहुत मदद की।
तो चलो अभी केक कटिंग हो जाए। हाँ चलो केक काटते हैं। मैडम जी आप बीच में आ जाइए, आप उनकी वाइफ जो हो। 3, 2, 1 गो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक्स बेटा, बहुत अच्छा लगा। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स आशा। और मम्मा हमें भी पापा को मिला दे दो। हाँ ये लो पापा। ये लो पापा। मम्मा तो देखा आपने, आपकी बेटियों ने कैसे भी करके आपका बर्थडे मना ही ली। बच्चे कब बड़े हो जाते पता ही नहीं चलता। थैंक्स आशा। थैंक्स बेटा, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स, आई लव यू बेटा, हम बहुत मिस कर रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा हो कि आप जिससे भी प्यार करते हो, चाहे वो आपकी माँ हो या बाप हो या कोई भी हो, अगर वो आपसे दूर रह जाए और उनका कुछ डे है, फादर्स डे, मदर्स डे, कोई भी डे हो, तो आप निराश ना हो, आप उनके साथ इसी तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए और मजे कीजिए। ये एज है डिजिटल इंडिया वाला एज, तो इसी टाइम को बहुत अच्छे से यूज कीजिए और इस बार अपने फैमिली के साथ ऐसे ही बर्थडे मनाइए। तो गाइस अभी आपने देखा कि हमने पापा का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। वैसे सच बताऊं तो ये रियलिटी में भी ऐसा ही हुआ है हमारे साथ, क्योंकि पापा सच्ची में हमारे घर पे नहीं है अभी के लिए। तो वो ये हमारे बर्थडे के दिन भी नहीं थे और खुद के बर्थडे के दिन भी नहीं थे, तो उनका बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट करने वाला है वर्चुअली। और हाँ दोस्तों, अब जिस चीज के लिए आपने वीडियो इतने मजे से एंड तक देखा उसकी बारी आ चुकी है, तो हमारे गिवअवे विनर्स हैं ये सब लोग। तो ये सब हमारे गिवअवे विनर्स हैं। कांग्रेचुलेशंस 10 लकी विनर्स। तो आपके कमेंट हमें पढ़ने में मजा है, बहुत मुश्किल था 10 चूज करना, इतने सारे थे। तो अगर आपका नाम इस विनर्स की लिस्ट में से आया तो आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है, वो आपको डायरेक्ट करेगी गूगल फॉर्म पे और आपको उसमें अपना डिटेल्स भरना है जिससे हम आपको पहुंचा पाए आपका गिव अवे गिफ्ट। और हम जितना जल्दी सके उतना जल्दी आपको आपका गिव अवे गिफ्ट भेजेंगे। तो गाइस जो लोग 10 लकी विनर्स में से नहीं थे तो आप बिल्कुल दुखी ना होइए, क्योंकि जल्द ही हमारे चैनल्स में आएंगे ये गिव अवेज। एंड अब उसके लिए अगर आपको जानना है कि गिव अवे आने वाला है तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे फॉलो करना होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना होगा, तो जब भी हमारा गिव अवे आएगा या वैसा कुछ भी रहेगा तो आपको पता चल जाएगा ना। जरूरी है जल्दी से वो घंटी बजा दो से टंग करके। और अगर आपको आपका गिफ्ट मिल गया है, मतलब जब आपको मिलने वाला है अगर आपको मिल जाए, तो और अगर आप इंस्टाग्राम में, तो आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो कि आई रिसीव द गिफ्ट और हमें टैग कर सकते हो जिससे हमें पता चल सके कि आपने गिव अवे गिफ्ट रिसीव कर लिया है। तो गाइज ये था हमारा वीडियो और गिव अवे विनर्स, एंड हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस चीज के लिए। तो गाइज चलो अब जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता तब तक के लिए बाय।